स्वागत है आपका आईपीएल 2019 के 38वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 9 विकेट से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और इस हार के बाद केकेआर का जो प्लेऑफ का रास्ता है वो काफी ज्यादा कठिन हो चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों इसी बारे में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद से मिली 9 विकेट से एक बड़ी हार के बाद टोटल 10 मैचेस जो है वो खेले हैं केकेआर की टीम ने, जिनमें से सिर्फ 4 मैचेस जो है वो जीत पाई है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जहां पर दोस्तों अगर बात करें शुरुआती 5 मुकाबलों की, तो शुरुआती 5 मुकाबलों में से 4 मैचेस जो है वो जीत चुकी थी केकेआर की टीम और ऐसा लग रहा था कि आराम से जो है वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी। लेकिन पिछले 5 मैचेस जो है वो लगातार हारते हुए आ रही है केकेआर की टीम और अब टोटल 10 में से सिर्फ 4 मुकाबले जो है वो जीती है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि इनके सिर्फ 4 मुकाबले जो है वो बचे हुए हैं, जिनमें से इन्हें 4 मुकाबले जो है वो जीतने होंगे आईपीएल 2019 के प्लेऑफ्स में जाने के लिए। और अगर ये 3 मुकाबले जीतती है तो यहाँ पर लक फैक्टर जो है वो आ जाएगा कि 14 पॉइंट से एक टीम जाए प्लेऑफ्स में और वो टीम हो कोलकाता नाइट राइडर्स। और ऐसी सिचुएशन में रन रेट का भी जो है एक फैक्टर आएगा और रन रेट भी आपको बता दें कि यहाँ पर माइनस में चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का, तो काफी बड़ी मुसीबत में यहाँ पर केकेआर की टीम फंस चुकी है, जहाँ पर इनको अपने 4 में से 4 मुकाबले जो है वो जीतने होंगे ताकि ये टीम जो है वो आईपीएल 2019 के प्लेऑफ्स में जा सके। और दोस्तों जो टीम लगातार 5 मुकाबले पिछले हार कर आ रही है, काफी सारी कमियां यहाँ पर इस टीम की लग रही है, ऐसे में लगातार 4 में से 4 मुकाबले जीतना काफी बड़ी बात होगी केकेआर के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है क्योंकि इनके पास आंद्रे रसल है, तो आंद्रे रसल का इनको यूज जो है वो सही ढंग से करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों इनके 4 मुकाबले की अगर बात करें तो उनमें से 2 मुकाबले जो है इस टीम को खेलने हैं मुंबई इंडियंस से, यानी कि 2 मुकाबले जो मुंबई इंडियंस से खेलने हैं वो दोनों के दोनों मुकाबले केकेआर की टीम को जीतने होंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल इनके लिए आगे का रास्ता है, जहां पर इनको 4 में से 4 मुकाबले जीतने हैं और 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस से होंगे, 1 मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से और 1 मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स से। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये 4 मुकाबले केकेआर की टीम जीत पाएगी और आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।